सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल D17 व्लॉग्स। तो गाइस, आ चुका हूँ मैं आज एक और न्यू वीडियो लेकर, जहाँ पे आज हम बात करने वाले रिस्टोरेशन के खर्चों के बारे में। तो गाइस, रिस्टोरेशन के खर्चे हम लोग वैसे डायरेक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है बाइक के कंडीशन के ऊपर। पर आज हम एग्जाम्पल लेके, जैसे कि ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ, तो आज हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि ये भी एक रिस्टोर्ड बाइक है, इसके वीडियोज़ भी अगर आपने देखे होंगे, और जिसने नहीं देखे होंगे मेरे चैनल पर विजिट करके देख लेना। तो ये हमारी फुल रिस्टोर्ड बाइक है, 2012 मॉडल, ये आप देख सकते हो। इसे एक वॉक अराउंड ले लेते हैं। आज के वीडियो में गाइस हम बात करेंगे इस बाइक को कितना कॉस्ट पड़ा पूरा रिस्टोर करने के लिए। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितना मुझे कॉस्ट पड़ा, कितने में हुआ, और फिर बाद में क्या क्या मुझे दिक्कतें आई थी। तो ये सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहे और एक एक चीज़ें ध्यान से सुनिए, ताकि आपको भी मतलब अगर आगे जाके रिस्टोर करनी हो आपकी बाइक, तो आपको एक अच्छी आइडिया मिल जाए। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो जैसे कि आप मेरी बाइक को देख पा रहे हो, ये पूरी फाइबर से भरी हुई है। फ्रंट फेयरिंग, रेयर फेयरिंग, साइड फेयरिंग्स, और फिर मडगार्ड हो जाता है, ये पूरा मतलब फाइबर से भरी हुई है। तो अगर मुझे इसको कलर भी करना है, तो मुझे इसका कॉस्ट समथिंग 10,000 प्लस चले जाएगा, जिसमें मैं इसके पार्ट्स खरीद लूँ तो मतलब अच्छा हो जाएगा मुझे। और बाकी एक ये बच जाता है, ये लोखंड की चीज़, इसका टैंक, तो इसको मुझे कॉस्ट पड़ा था गाइस 3,000, और कलरिंग के लिए वो भी मुझे लगता है शायद से ज़्यादा हो गया था। अगर मैं कोई अलग दुकान में जाता तो शायद से मैं भी मुझे थोड़ा और कम में भी हो सकता है, पर मुझे 3,000 पड़ गया था। और बाकी ये जो देख रहे हो कलरिंग के लिए, ये रेयर वाला, फ्रंट वाला, इसके तो न्यू पार्ट्स मैंने ले लिए थे, तो ये फ्रंट फेयरिंग समथिंग मुझे 3,000 में आ गई थी, और रेयर का 800, वो भी भाई मेरा मतलब एक फ्रेंड था जो कि डीलर था, उसके कारण हमें जो मतलब रेट उनको मिलता है उस रेट में हमें उसने दिया था, इसलिए हमें कम में मिल गया था। और बाकी आप वही बजाज के शोरूम में जाके करोगे तो 200-300 आपको हर एक पार्ट में मतलब ज़्यादा ही होने वाला है, तो उनका कुछ मतलब 15% या 20% समथिंग ऐसा कुछ होता है, वो चीज़ मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है, तो उसके हिसाब से मतलब उसने मुझे पूरा कम करके दे दिया था। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे बाइक के जो इंजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो मुझे इसमें कोई काम नहीं करना पड़ गया था, तो ये एक रिस्टोरेशन का कॉस्ट मेरा बच गया था। और बाकी मेरे गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो सब पुराने ही पार्ट्स है, बट कुछ कुछ होते हैं ना रिस्टोरेशन के लिए, ये लुक्स के लिए मतलब मैंने पूरा रिस्टोर कर ली थी अपनी बाइक को, क्योंकि लुक्स में ये अच्छी बिल्कुल नहीं थी तभी। और यहाँ पे कुछ इसके अंदर का मतलब ब्रैकेट चला गया था, तो वो भी मेरा 2,200 के आसपास मैंने वो मिल गया था मुझे, इसके अंदर एक ब्रैकेट लगता है गाइस, तो वो मुझे वो 2,200 में मिल गया था। बाकी इसका ये आ जाता है मॉडिफिकेशन के, कुछ कुछ चीज़ें मैंने लगाए हुए, हैंड गार्ड वगैरह, यहाँ एक टेल हुआ करती थी जो कि अभी नहीं है, क्योंकि मतलब रेनी सीजन आ गए थे, तो टेल टाइडी से आपको मालूम है पूरा पीछे से भर जाता है, तो इसके लिए वो निकाल दिया था। यहाँ पे देखो कुछ मतलब मैंने अल्ट्रेशन कर रखे, तो वो सब आपको मतलब शो दिख रहा होगा, तो जिस तरह से मतलब मेरी बाइक को मैंने रिस्टोर किया था। तो मतलब मैं टोटल खर्चा बोल रही हूँ तो गाइज ये एक 10,000 प्लस हो जाता है, तो न्यू पार्ट्स ही मतलब मैंने डाल दिए, क्योंकि न्यू पार्ट्स ही आ जा रहे, तो भाई क्यों ये करूँ मैं। और वैसे भी मेरे ओल्ड जो मतलब पार्ट्स थे वो कंडीशन में थे ही नहीं, टूटे हुए थे, तो उनमें मतलब न्यू पार्ट्स आ गए। और बाकी अगर आप कलर भी करने जाओ तो उतना ही खर्चा हो जाता, तो लुक्स के लिए मतलब बोले तो गाइज अगर हो सकता है तो न्यू ही पार्ट्स डाल दो, अगर फाइबर पार्ट्स होता है तो भाई, और बाकी अगर आपकी बुलेट वगैरह है तो फिर आपको कलर ही बेस्ट चॉइस है, अगर क्योंकि वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऐसी जो अपनी बाइक्स होती है, और अगर प्लैटिना वगैरह रहेगी तो उसकी कॉस्ट तो और भी कम हो जाती है। बाकी मैंने ये जो एक रिम्स है रिस्टोर करते हो, मतलब मेरा एक जो रिम था ये भी मुझे चेंज करने पड़ गया था, तो ये मुझे 6,000 के अराउंड आ गया था, जो कि इसका प्राइस 6,500 या 7,000 के आसपास चल रहा है अभी बजाज में, तो ये मुझे उस टाइम 6,000 के आसपास आ गया था, ये भी न्यू है पूरा। और यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह मतलब मैंने मोड्स के लिए लगाए रखे। बाकी गाइस आपके बाइक के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिस्टोर कैसे करना है, और बाइक आपकी, ये तो मेरी अभी 10 ईयर्स ओल्ड है, फिर भी मतलब अभी फ़िलहाल तो रिस्टोर किए तो बहुत अच्छी दिख रही है। तो यहाँ मैं आपको कुछ पिक्स उसको दिखा दूंगा कि मतलब पहले कैसी थी, इतनी बुरी कंडीशन में नहीं थी,
पर लुक्स के लिए वो थोड़ी सी मात खा रही थी, पर अभी ये बिल्कुल न्यू दिखती है इंजन को छोड़ के, क्योंकि इंजन को मैंने कलर नहीं किया है। बीच में इंजन का कलर किया था पर वो भी मतलब निकल गया था, जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे, और मतलब ये फेड कर लिया कलर, वो जो एक लोकल कलर था इसके वजह से। बाकी चेसी वगैरह को मैंने कलर नहीं किया है, जो क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता, क्योंकि उसके लिए पूरा इंजन खोलना पड़ता, पूरा पार्ट्स मतलब बोलते हैं ना, पूरा अलग 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 करना पड़ता रहता है। तो ये नॉर्मल मतलब एक कॉस्ट के हिसाब से मैंने छोटा सा अपना रिस्टोरेशन कर लिया है, जो कि मतलब पॉकेट फ्रेंडली था। सो यहाँ पे गाइस मैं अपनी बाइक में कितना कॉस्ट लग गया वो डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। तो जैसे गाइस मैं आपको बता दूँ, मेरे बाइक को रिस्टोर करने में समथिंग 20,000 प्लस लग गया, 20 से 25 के बीच में पकड़ लो गाइस, इसके ऊपर नहीं गया। और क्योंकि गाइस जैसे कि आपको पता है, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं अंदर के, जैसे कि मेरा CDI हो गया, फिर बाद में एक हाई कॉस्ट मुझे रिम्स में पड़ गया था, और फिर मैं मॉडिफिकेशन के भी छोटे छोटे पार्ट्स थे, तो उसमें सब पकड़ के, फिर बाद में लेबर हो जाता है, वो सब पकड़ के 20 से 25 के बीच में मतलब मुझे खर्चा आ गया। वो एक मतलब नॉमिनल खर्चा है गाइस, क्योंकि मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ी कंडीशन में थी, अगर मेरे गाड़ी का अगर इंजन का काम मैं निकाल लेता तो वो कॉस्ट 30,000 प्लस चली जाती, या 35 भी पकड़ लो ये भी बोल सकते हो। क्योंकि अगर जैसे कि आपको पता है, एक बार अगर आप बजाज में जाओ तो 15,000 वो बोल देता है। मैंने लास्ट टाइम उसमें पूछा था कि अगर मुझे इंजन रीमेक करना हो तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो उनने मुझे साफ साफ क्लियरली बता दिया कि मतलब 15,000 तो पकड़ के चलो भाई, 15,000 कहीं नहीं जाएंगे, उतना तो लगने ही वाला है, और उसके ऊपर भी लग सकता है। मतलब वो भी उन लोग का शोर नहीं था कि मतलब कि 15,000 ही। तो क्योंकि मैं बजाज में ही बनाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं उसके ऊपर ही ट्रस्ट ज़्यादा करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, इंजन का वर्क रहता है, आप बाहर कहाँ पे भी दे सकते हो। हाँ, अगर आपका कोई पहचान का होगा अच्छा वाला तो कोई बात नहीं, बट जैसे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है तो हमें बजाज में ही चले जाता हूँ। तो वहाँ पे अगर हम काम करेंगे तो 15,000 लगने ही वाला है। तो वैसे हम बात कर सकते हैं मेरी बाइक की, तो वहाँ ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे गाड़ी में इंजन का काम नहीं था, तो उसके लिए मुझे समथिंग 20 से 25 के बीच में आ गया था कॉस्ट। सो कैसे लगेगा गाइस आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, और अगर ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भाई 3K सू ने सब्सक्राइब कर दो और पहुँचा दो जल्द से जल्द। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और ये फ्लाइबा का साउंड सुन लो भाई, RS का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।